अरे आप करके यार, ये क्या कर रही है यार? अरे आप करके क्या कर रही है यार? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप? पागल हो गया आप? हेलो, फोन साइड में छोड़ो, सुना मेरी पहले स्कूटी बंद थी यार। आपको क्या हो गया है? फोन तोड़ दिया आपने पूरा। हम थोड़ी मना कर रहे थे आपकी नहीं करानी। फोन की बात है, ले ओ पकड़ ना यार। आपके मेंटल हो थोड़े से? क्या कर क्या रहे हो यार? क्या हो क्या गया आपको? इतना गुस्सा किस चीज का आपको? मैं पैसे क्या करूंगा? मेरा फोन नहीं करा। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप सब बच्चे होंगे। सर वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आर एन ब्लॉग्स। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? होप सब बच्चे को। तो गाइस देख रहे हो, आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने घर से। और गाइस यहां पे चेक करो, यहां पे लगी है अपनी BMW GT। गाइस आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम अपनी BMW GT को सेल कर रहे हैं, पर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए ना, 5000 कमेंट्स हो चुके हैं उस वीडियो पे कि इस BMW को सेल मत करो। तो गाइस आप लोगों को पता है लास्ट डिसीजन हमेशा आप लोगों का होता है, तो मैं BMW को सेल नहीं करने वाला हूँ। और आप लोगों को पता होगा भाई हमारी KTM की बुरी हालत है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे R15 लगी है सैम की। KTM को निकाले हुए हमें हफ्ते से ज़्यादा हो गया हुआ है। ये देखो भाई अपनी KTM की क्या हालत होगी हुई है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। यहाँ से फेयरिंग टूट गई हुई है, फेस पूरा टूट गया हुआ है। ये वाला जो इंडिकेटर होता है ये भी टूट गया। ये बच गई है बस लाइट, ये सबसे एक्सपेंसिव है, ये बच गई है। दो चीज़ें इसमें बहुत एक्सपेंसिव होती है कि ये लाइट और दूसरा स्पीडोमीटर। शुक्र है स्पीडोमीटर भी बच गया, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो चलो गाइस अभी जल्दी से निकलते हैं, अभी चलते हैं KTM के शोरूम, देखते हैं इसका कितना बिल बनने वाला है। ठीक है, एक सैड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, इसका इंश्योरेंस भी खत्म हो गया हुआ है, सारी कैश पे ठीक करवानी पड़ेगी भाई हमें ये। तो गाइस ये होगी हमारी भाई कोल्ड स्टार्ट। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, देख रहे हो इतना गंदा मौसम नहीं है, धूप वगैरह कम है आज। और भाई आप लोगों को पता है हमारी जो दूसरी वाली KTM है वो भी गुम्मट में लगी है, उसकी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो दोनों बाइक्स वहां पे लगा देंगे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से, और अभी मुझे फील हो रहा है कि यार आगे वाला हैंडल इसका भी टेढ़ा हो गया हुआ है, या टायर में हवा कम है, पता नहीं क्या दिक्कत है। सो गाइस अभी हवा वगैरह बराबर करवाते हैं, पर कहां से करवाए भाई, ये तो बंद है। अब आप प्रे करो हमें हवा वाला मिल जाए यहाँ पे, नहीं तो हमें पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा यार। और उस लड़की को भी कॉल करते हैं भाई, वो 3-4 दिन से उसने मुझे इतने कॉल किए ना, इतने कॉल किए, मेरे को लगता है कि वो मुझे देखेगी मेरा सर फाड़ देगी, पर मैं क्या करूं भाई, मैं बिजी था थोड़ा। कहां पे गया हवा वाला भाई? हवा वाला इधर ही है। छोटू हवा भरना यार फ्रंट में, पीछे तो मुझे बराबर ही लग रही है, आगे देख ले। सो गाइस अभी एयर प्रेशर वगैरह बराबर करवाते हैं, फिर अभी हमें दो शोरूम्स में जाना है। ठीक है, एक तो हमें KTM के शोरूम में जाना है, दूसरा TVS के शोरूम में जाना है भाई, उसकी स्कूटी ठीक करानी है यार। सो गाइस चलते हैं अभी आगे, कहीं पे रुकते हैं, अच्छी चीज ये है दोनों शोरूम्स हमें लाइन में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे, रुकते हैं, उनको कॉल करता हूँ मैं। A few moments later. So guys, अभी उस लड़की को कॉल किया, थोड़े टाइम में वो आ रही है। और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपने लड़के भी आ चुके हैं। ये रही एंटॉर्क भाई, किया था पता उसका स्कूटी का? कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में? हाँ पहले पार्ट्स आएंगे। बोल क्या रही थी लड़की? लड़की बोल रही थी मेरे घर वाले बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डांट पड़ रही है घर से, ये वो अलियान 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा। पता यार मैं बिजी था थोड़ा अपने कामों में। इसको भी लगाना भाई KTM के शोरूम में, इसका तुझे पता है इंश्योरेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया हुआ है। ये सारी मुझे कैश पे ठीक करानी पड़ रही है, पता है तुम लोगों को? है पूरी कैश पे ठीक करानी पड़ रही है, पता नहीं कितना एस्टिमेट बनेगा इसका। फेयरिंग तो सस्ती होती है, फेयरिंग इतनी महंगी नहीं होती है, दूसरा वाइजर भी सस्ता ही होगा। ये अंदर से जो टूटा है ना ये पार्ट, ये महंगा होगा यार। ना 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 निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा वहाँ से। ये फ्रेम डलेगा यार, ये फ्रेम टूटा हुआ है, ये फेयरिंग अलग चीज़ है। गाइस इसकी दो किस्म की फेयरिंग आती है, ये आउटर वाली फेयरिंग है, रुक खींच मत, ये आउटर फेयरिंग आ गई, ये इनर फेयरिंग आ गई। ठीक है, ये अलग अलग आती है दोनों। बाकी सारी डिटेल गाइस KTM के शोरूम में जाके पता चलेगी क्या हाल है। ठीक हो? उसको बंद करना एक मिनट यार, मैं थोड़ा ना काम से बाहर गया हुआ था, जम्मू से बाहर था मैं, तो आप पहले ईद भी थी ना 2 दिन बीच में, 2-3 दिन ईद थी, फिर मैं काम से बाहर चला गया हुआ था। ठीक हो आप? आराम से आराम से आराम से आराम से ठीक हो? हाँ, मुझे क्या? स्कूटी वैसी है, कुछ भी नहीं कराया इसका, क्या ही कराओगे आप? ये देखो गाइस स्कूटी की क्या हालत है, इसका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। आपकी स्कूटी का इंश्योरेंस है ना? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यार मैं कसम से बाहर गया हुआ था, मुझे कॉल नहीं रिसीव कर सकते आप, इतना नहीं बता सकते थे कि आप नहीं हो? यार मुझे पता आपको मैं फोन उठाऊंगा ना, आप सो चीजें बोलने शुरू हो जाओगे। मैं बोल रही थी यार मेरी स्कूटी ठीक कराओ, मैं कॉलेज जाती हूँ ऐसी स्कूटी लेके मैं कॉलेज जाऊँ, मुझे फैमिली भी। मेरी गलती है, मेरी गलती है मुझे पता, पर अगर आप कॉल पे मेरे से आराम से बात करते ना, एक बार मैंने की थी आपको, आपने कॉल ही नहीं रिसीव की यार, कब से मैं, एक हफ्ता हो गया मेरी स्कूटी आपने तोड़ी है। मुझे एक चीज बताओ, इसका इंश्योरेंस है ना? एक मिनट डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल दो, चेक करते हैं। एक तो इसकी हेडलाइट चेंज होगी, ये वाला पूरा पार्ट आता है, मैंने पता करवाया था, ये पूरी बॉडी आती है इसकी। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है, तीसरा और कुछ नहीं, ये पहले से था ये। मुझे बताओ फोन क्यों नहीं उठाया? मैं आपको कुछ बोलती, मैं आपको खा जाती फोन बस। यार आप बातें नहीं ना सुनते हो, फिर आप अपनी सुनाने शुरू हो जाते हो। आपको भी पता है ठीक है? हाँ, इंश्योरेंस नहीं है तो चेक किया?
आपने इंश्योरेंस नहीं किया है इसका? मैं कैश पे ठीक कराऊंगा सारी। तो मुझे क्या पता, जैसे मर्जी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो तू क्यों उठा रहा है भाई, क्यों वीडियो नहीं बनाऊंगा? तो तुम क्या हो गया कैमरा, तो प्रूफ क्या, ये कौन सा प्रूफ, क्या हुआ, क्या? अरे पहले आप काम की बात तो करो। मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस नहीं है इसका, नहीं। पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब फिर कैश पे ठीक करा। ब्लॉगर अपनी जगह है, क्या अपनी जगह? वो क्या हो गया आपको, वो आप क्या, आप पागल हो गया? पागल है क्या, ब्लॉग बना रहा है मेरा यार, नया फोन तोड़ दिया यार। क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो? दिमाग खराब कर रहे हो, दिमाग है आप में, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप, पागल हो गया आप? ये क्या कर रही है यार, ये पागल है क्या? मैडम क्या हो गया आपको, आपको हुआ? एक मिनट रुक, ये क्या कर रही है? एक मिनट रुक, रुक रुक, लड़ नहीं, फोन लेके आ नीचे से जाके। तो तू होता कौन है मेरा व्लॉग बनाने वाला? एक मिनट रुक, फोन लेके आ नीचे से यार, फोन लेके आ, जा नीचे से फोन ला। खाई में फोन फेंक दिया भाई, पागल हो गया आप यार? फिर बोल दिया फोन क्यों नहीं कर रहे हो, हैं कहाँ पे है यार? एक बात बताओ, इधर मेरी बात सुनो, आप क्या कर रहे हो? अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? तू भी नहीं फोन उठा रहा था, ठीक है ये काम से तूने फोन उठाया मेरा? कोई बात नहीं, मैं कोई फोन ठीक नहीं करवा रही। मैडम आपको हम आराम से बात कर रहे हैं, व्लॉग क्यों बना रहा है? तो मुझे बोलो, मैं उसको मना, व्लॉग अपलोड कर चुके हो आप लोग। यार आपने फोन देखो कहाँ फेंका है, जा फोन ले गया, जा फोन ले गया, फोन ले गया। कहाँ से जाऊँ मैं, खाई में उधर फोन फेंका, वो फोन पड़ा हुआ है यार, हद कर रहे हो। आराम से बात चल रही है, इतने प्यार से बात। आपने मेरा वो गिफ्ट भी तोड़ा जो यही था। अरे तो फोन क्यों तोड़ दिया आपने, पर फोन क्यों तोड़ा आपने? हाँ। फोन खाई में फेंक दिया, फिर तो तोड़ दिया। आराम से तो बात कर रहे थे आपसे, तो इसको मैंने बोला ना ब्लॉग बंद करो। तो आप मुझे बोलो, मैं बोलता हूँ उसको, सुन नहीं रहे थे वहाँ पे यार, बहस करके। भाई ये फोन देना यार, नया फोन लग रहा है यार, बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन है यार, क्या कर रहे हो यार? अभी लिया इरफान ने, हफ्ता हुआ पापा ने लेके दिया इसको, इसका दूसरा टूट गया। मेरा बाप ब्लॉग देखा, फेंको फेंको फेंको। अच्छा तो अब ये भी तोड़, वो बचा ही नहीं होगा पहले ही कुछ, तो आराम से, आराम से भाई फेंक यार, इधर फेंक, मैं कैच करता हूँ, फेंक। ये ऊपर से गया, कॉम्बो तो गया इसका, कॉम्बो टूट गया, कैमरा ठीक है। अरे आप कर क्या रही है, क्या कर रही है यार? ये ले सुना, ओए पागल हो गया भाई, सुना तू है ऐसा, सुना? और मैंने इसको बोला ना एक बार व्लॉग बंद करे, क्यों बार बार व्लॉग? भाई यार ये क्या कर रही है यार, फोन क्या मसला तेरा? अबे मेरा क्या सीन है, मेरा दोस्त था, तूने फोन उठाया इसके साइड में, तो इसका ही फोन, तूने मेरा एक फोन का एक कॉल हिस्ट्री दिखाना, दिखाऊं? फोन क्यों नहीं उठाया तूने इसके? पर यार आप भी आराम से रहो ना, फोन नहीं उठाए, आपको भी कॉल कर रहा, आप बिजी थे क्या? इसने भी नहीं उठाया फोन, तूने फोन क्यों नहीं उठाया इसके? बाबा मैं अपने बिजी नहीं हूं, मेरे काम नहीं है। तो तू मेरा फ्रेंड नहीं था, तो तू मेरा फ्रेंड, पहले से तूने बड़ा सपोर्ट दिखाया। ये देखो गाइस, दूसरा पार्ट कहां गया इसका, हैं बाकी बॉडी कहाँ है इसकी? Hello? भाई बाकी बॉडी में नहीं। हेलो फोन साइड में छोड़ो, सुना मेरी पहले स्कूटी बंद थी। यार आपको क्या हो गया है, क्या फोन तोड़ दिया आपने पूरा? हम थोड़ी मना कर रहे थे आपकी नहीं करानी, फोन की बात है, ले ओ पकड़ ना यार, आपके मेंटल हो थोड़े से, क्या कर के रहे हो यार? यार पैसे, फोन पैसे नहीं चाहिए हमें, ठीक है ये कमांडर नहीं दिखाओ पैसों का, ना मुझे चाहिए पैसे। के पकड़ यार, इधर सुनो, मैं मेरे को एक चीज बताओ, जब आराम से एक चीज हो रही है आप चीख रहे हो चिल्ला रहे हो, फोन तोड़ दिया पूरा, मेरी स्कूटी ठीक करके दो यार, ये पकड़ो पहले, मुझे नहीं चाहिए इसको दे दो यार, क्यों क्या हो क्या गया आपको, इतना गुस्सा किस चीज का आपको? मैं पैसे क्या करूंगा, मेरा फोन ठीक करा दो। ओए ओए तू चुप रह भाई, दिमाग खराब नहीं है मेरा, मेरी बात सुनो, आप मेरी स्कूटी ठीक करके दे रहे हो नहीं दे रहे हो? अच्छा चलो अभी चलते हैं भाई, निकाल यार इसको, स्कूटी को निकाल, बैठ, मेरी बात सुनो, अगर दो दिन में मेरी स्कूटी नहीं ना हुई मैं कैश पे करवा दूंगा, ठीक है? पर इसका जो फोन टूटा वो आप ठीक कराओगे? ये लो पैसे, पैसे नहीं चाहिए मुझे, फोन चाहिए। क्यों नहीं चाहिए पैसे, रखना पैसे, कितने पैसे हैं? गिन, रुक, एक दो तीन चार पाँच, ये 5,000 है भाई, पूछ ले कॉम्बो कितने का है तेरा, बाकी कर लेंगे वहाँ। चलो 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 यार, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, चलो आप उठो उठो मैडम, अब रोने क्यों लग गए हो आप? हैं ये रो क्यों रही है?
भाई तूने बोला क्या इसको कुछ? गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इनकी अपनी जगह कोई लड़ाई हुई हुई है, ऐसे यार बीच में ड्रामे कर रहे हैं, क्या करूं। तो गाइस अभी चलते हैं इंटोर के शोरूम यार, ठीक करा के देते हैं इसको स्कूटी, सरदर्दी दूर करते हैं। ओ भाई गाइस इंटोर का सर्विस सेंटर यहीं पे कहीं पे है, तो देखते हैं भाई। लगा ले जा, अंदर ले जा, दिखा उनको ये क्रैश हुई है, देखना इसका कितना खर्चा बनेगा। नीचे लेके आना, चल। हाँ जी, नहीं है और क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, मेरा फोन तोड़ के ना इतनी में देख रहा हूं। अच्छा, देखते हो व्लॉग्स? चलो सही है। कितने टाइम में हो जाएगी यार ये करवानी होगी तो? 10-15 दिन? नहीं यार भाई, ये क्या बोल रहे हो भैया, 10-15 दिन तो नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको आप जानते हो उनकी कितने जल्दी ठीक करोगे? फोटो लेनी है, फोटो आप जितनी मर्जी लो यार, ठीक कर दो स्कूटी। अच्छा फोन टूट गया, मेरे में ले लेंगे, कोई बात नहीं। भाई ये कौन सी गुफा में जा रहे हैं हम, नीचे है क्या? आ जाओ आप भी आओ, देख लो भाई आपके सामने होगी सारी बात, ठीक है? मुझे बाद में नहीं बोलना, पहले इसका एस्टीमेट बनाते हैं, फिर KTM को सर्विस सेंटर लेके चलते हैं, देखते हैं उसका क्या सीन है। इसका इंश्योरेंस दिखा मुझे एक मिनट। एक्सपायर है यार। हैं? 2023 का एक्सपायर। एक्सपायर हो गया है, कैश पे ठीक करानी पड़ेगी। अरे यार, हाँ जी 10,000 लेते थे। 10,000 ठीक है, 10,000 एस्टिमेट है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कहाँ से है इसका? पार्ट्स आने में 2 हफ्ते लगेंगे, पार्ट्स भी नहीं पड़े हुए इसके? दो वाइट में पड़े हैं। नहीं यार, अरे भाई ये तो सीन हो गया। इधर आ, अब इस लड़की को बताना नहीं, ये कह रहे हैं 2 हफ्ते लगेंगे। हाँ पार्ट्स ही नहीं है। ये शोर करना स्टार्ट कर देगी, रुक अभी मैं आफ्टर मार्केट भी पता करता हूँ ना, फिर कल देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर अब इसको मैंने बोला ना 2 हफ्ते लगने वाले, इसने इधर ही शोर करना शुरू कर देना है, पूरा इकट्ठा कर देगी। है आफ्टर मार्केट पता करते हैं ना।